फ्रेंड्स, आप लोग बहुत सारे वीडियोस देख ही चुके होंगे कि कैसे आप सिर्फ जो सॉन्ग्स है उसको सुनकर ऑनलाइन अर्न कर सकते हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा मेथड शेयर कर रही हूं जहां पर आप सिर्फ सॉन्ग्स को अपलोड कर भी अर्न कर सकते हैं। यस फ्रेंड्स, यू हर्ड राइट, आपको यहाँ पर सिर्फ जो सॉन्ग्स है उसको अपलोड करना है और आप यहाँ पर अपलोड कर डेली बेसिस पर अर्न कर सकते हैं। अगर आप भी इंटरेस्टेड है ऐसा काम करने के लिए जहां पर आपको कुछ भी इन्वेस्ट करना नहीं है, सिर्फ अपने मोबाइल फोन को यूज करते हुए जो सॉन्ग्स है उसको अपलोड करना है और आपको वहां से अर्निंग करनी है, अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ जो प्लेटफॉर्म शेयर कर रही हूँ ये एक 100% लेजिट और ऑथेंटिकेट प्लेटफॉर्म है। अब यहाँ पर काम करने के लिए आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करना नहीं है, सिंपली आप अपने मोबाइल फोन को यूज करते हुए यहाँ पर जो सॉन्ग्स है उसको अपलोड कर यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। बस इस वाले प्लेटफॉर्म पर काम करने के लिए आपको यहाँ पर कंसिस्टेंट रहना होगा। अगर आप कंसिस्टेंट रह सकते हैं, डेली का अपने स्केड्यूल में से 10 से 20 मिनट्स इस प्लेटफॉर्म पर वर्क कर सकते हैं तो आप डेली बेसिस पर यहाँ से अच्छा खासा रेवेन्यू बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब ये काम आप अगर स्टूडेंट्स है या अगर आप हाउसवाइफ है, अगर आपको यहाँ पर अगर आप 10th पास स्टूडेंट्स भी है तो यहाँ पर ये वाला मेथड पर वर्क कर अपनी जो अर्निंग है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि कैसे यहाँ पर जो सॉन्ग्स है उसको अपलोड करना है और कैसे यहाँ से अर्निंग करनी है। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप अमीरास मेंटर चैनल पर पहली दफा आए हैं तो प्लीज अमीरास मेंटर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एट द एंड अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। और फ्रेंड्स, कमेंट्स में ये बताना मत भूलें कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। चलिए सबसे फर्स्ट आ जाते हैं चैट जीपीटी पर। चैट जीपीटी पर आकर हम यहाँ पर चैट जीपीटी को कमांड देंगे कि हमें यहाँ पर कुछ किड्स के जो एजुकेशनल सॉन्ग है उसके आइडियाज दे, उसके टाइटल के यहाँ पर आइडियाज दे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर चैट जीपीटी को कमांड दे रही हूँ कि मेरे को यहाँ पर सम एजुकेशनल किड्स के जो टाइटल आइडियाज है वो चाहिए। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हम जैसे कमांड सबमिट करे हैं हमें यहाँ पर चैट जीपीटी कुछ यहाँ पर जो टाइटल के आइडियाज है वो यहाँ पर दे दिया है। अगर आप लोगों को यहाँ पर और सारे आइडियाज चाहिए, अगर आपको यहाँ पर जो स्टार्टिंग में टाइटल्स दिए हैं वो अगर अच्छे नहीं लग रहे हैं तो आप यहाँ पर सिंपली अगर मोर कमांड अगर चैट जीपीटी को देंगे तो आपको यहाँ पर और बहुत सारे जो आइडियाज है टाइटल से रिलेटेड वो यहाँ पर दे देगा। तो आप इसमें से जो भी आपको अच्छा लग रहा हो वो यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। अब मैं यहाँ पर जो है एजुकेशनल से रिलेटेड यहाँ पर किड्स का एजुकेशन से रिलेटेड बना रही हूँ सॉन्ग। आप यहाँ पर आपका जो भी इंटरेस्ट है हो यहाँ पर वो इंटरेस्ट को देकर यहाँ पर उसका टाइटल्स को जनरेट कर सकते हैं। तो हम सबसे फर्स्ट यहाँ पर जो फर्स्ट यहाँ पर टाइटल है द एबीसी एडवेंचर, उस पर जो है अपना सॉन्ग बनाएंगे। तो उसके लिए आपको यहाँ पर अगेन यहाँ पर जो मैसेज बॉक्स है उस पर आना होगा और यहाँ पर चैट जीपीटी को अगेन एक कमांड देना है। अब आपको यहाँ पर कमांड इस तरीके से देना है कि आपको यहाँ पर एक कैची इंस्पिरेशनल सॉन्ग चाहिए। अब यहाँ पर जो आप यहाँ पर टाइटल देना चाहते हैं, आपको यहाँ पर जो टाइटल अच्छा लग रहा है वो टाइटल यहाँ पर आप पेस्ट कर दीजिए। लाइक यहाँ पर मेरे को चाहिए कैच इंस्पिरेशनल सॉन्ग फॉर किड्स, टाइटल यहाँ पर जो मेरा है वो है एडवेंचर किड्स। तो यहाँ से जो फर्स्ट टाइटल है इसको यहाँ से कॉपी कर लूँगी और यहाँ पर लाकर टाइटल के आ गई इसको पेस्ट कर दूँगी। अब ये पेस्ट कर हम यहाँ पर जो सबमिट है उसको सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ पर सबमिट करते हैं आपको चैट जीपीटी यहाँ पर वन बाय वन यहाँ पर लिरिक्स लिख कर देगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर चैट जीपीटी कितना डिटेल में यहाँ पर लिरिक्स लिख कर दे दिया है। तो ये था हमारा फर्स्ट स्टेप जहाँ से हम टाइटल को सेलेक्ट कर लिए हैं, जो ट्रैक है उसको सेलेक्ट कर लिए हैं और यहाँ पर हम जो लिरिक्स है उसको भी जनरेट कर लिए हैं। तो यहाँ से जो हमारा है स्टेप वन कम्प्लीट हो चुका है। अब स्टेप टू में हमें कैसे यहाँ पर सॉन्ग्स को लिरिक्स से जनरेट करना है वो देखना है। तो उसके लिए हम अगेन आ जाते हैं क्रोम ब्राउज़र पर और क्रोम ब्राउज़र पर आकर आपको यहाँ पर सर्च करना है songr.ai। मैं आप लोगों को यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगी, आप उस लिंक पर भी क्लिक कर इस वाले वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर सॉन्ग्स को जनरेट करने के लिए कुछ भी यहाँ पर पे करना नहीं है, बस सिंपल आप यहाँ पर अपने लिरिक्स को यूज़ करते हुए जो सॉन्ग्स है उसको जनरेट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे फर्स्ट यहाँ पर जो अपना अकाउंट है उसको क्रिएट करना है। तो आप यहाँ पर अकाउंट को क्रिएट करने के लिए जो यहाँ पर राइट हैंड साइड पर लॉगिन दिख रहा है वहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर टू ऑप्शंस मिलेंगे, आप सिंपली अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड देकर भी यहाँ पर अपना अकाउंट बना सकते हैं या सिंपली साइन इन विद गूगल भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से साइन इन विद गूगल कर लूँगी। जैसे आप यहाँ पर साइन इन विद गूगल कर लेंगे आपको यहाँ पर इनके टर्म्स एंड कंडीशंस को अग्री करने को कहेगा। तो आप यहाँ पर सिंपली इनके टर्म्स एंड कंडीशन एक बार पढ़कर यहाँ पर एग्री पर क्लिक कर दीजिए।
जैसे ही आप अग्री पर क्लिक करेंगे, आपकी जो प्रोफाइल है यहाँ पर आपका अकाउंट जो है यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। अब अकाउंट क्रिएट हो जाने के बाद आपको यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट ट्रैक्स दिख जाएंगे। आपको यहाँ पर आकर सिंपली जो चिल्ड्रन है उसको क्लिक करना है, क्योंकि आप यहाँ पर जो म्यूजिक है वो बना रहे हैं फॉर चिल्ड्रंस के लिए, तो आप यहाँ पर चिल्ड्रंस को सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे आप यहाँ पर चिल्ड्रन को सेलेक्ट करते हैं, आपको यहाँ पर लिरिक्स पूछेगा जो भी आप AI से जनरेट करे हैं, तभी हम चैट GPT से जनरेट करे हैं लिरिक्स, वो आपको यहाँ पर देना होगा। तो आपको सिंपली यहाँ पर आई हैव माई लिरिक्स पर क्लिक करना है, तो आपके सामने यहाँ पर आपको टाइटल और अपने लिरिक्स को एंटर करने का पूछेगा। तो यहाँ पर आप सिंपली एंटर लिरिक्स पर क्लिक कर दीजिए और चैट GPT पर आ जाइए, जहाँ पर आप सारा जो भी लिरिक्स को जनरेट करे थे वहाँ पर। तो वहाँ पर चैट GPT पर आकर आप सारा कुछ यहाँ पर जो भी आपके लिरिक्स है उसको यहाँ से सिंपली कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आकर ये बॉक्स पर पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद जो भी यहाँ पर अनवांटेड टेक्स्ट है उसको यहाँ से रिमूव कर दीजिए, लाइक वर्सा, यहाँ पर जो भी यहाँ पर आपको दिख रहा है ब्रिज, इसी तरह के जो भी यहाँ पर टेक्स्ट है यहाँ से रिमूव कर दीजिए। ये सारा कुछ रिमूव यहाँ पर कर देने के बाद आपको आना होगा यहाँ पर टाइटल पर, क्योंकि आपको यहाँ पर टाइटल देना है। तो टाइटल जो है हमारा यहाँ पर है ABC, द ABC एडवेंचर। तो सिंपली यहाँ पर अपना टाइटल दे देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे एक इमेज का आइकॉन दिख रहा है, तो आपको यहाँ पर सिंपली जो इमेज है उसको यहाँ पर अपलोड करना है। अब यहाँ पर इमेज को क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं कैनवा का, जो कि फ्री एंड ईजी टू यूज़ है। तो जो यहाँ पर आपको कैनवा पर सिंपली साइन अप आप अपने गूगल से कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर अपने गूगल अकाउंट से यहाँ पर साइनअप कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर क्रिएट अ डिज़ाइन पर क्लिक कर यहाँ से एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर लीजिए। आप जैसे यहाँ पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं, आपको यहाँ पर आना होगा एलिमेंट्स पर। यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड में सेकेंड दिख रहा होगा एलिमेंट्स वाला ऑप्शन, इस पर आकर आपको यहाँ पर सर्च करना है किड्स से रिलेटेड जो भी इमेजेस है वो। तो यहाँ पर मैं सिंपली किड्स यहाँ पर सर्च कर लूँगी, तो यहाँ पर मेरे को बहुत सारे ग्राफिक्स मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ से जो भी फ्री वर्जन ग्राफिक्स है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगी और यहाँ पर इसको बैकग्राउंड में सेट कर दूंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हो गया हमारा जो इमेज था फर्स्ट वो। उसके बाद हमें यहाँ पर टेक्स्ट चाहिए, तो हम टेक्स्ट के लिए आ जाएंगे टेक्स्ट बॉक्स पर और यहाँ पर लिखेंगे किड्स ABC एडवेंचर, जो कि हमारा यहाँ पर टाइटल था। उसको लिखकर यहाँ पर टेक्स्ट को थोड़ा सा एडजस्ट कर देंगे और यहाँ से इसको सिंपली डाउनलोड कर लेंगे। आपको डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर ऊपर एरो का मार्क दिख रहा होगा, सिंपली वहाँ पर क्लिक कर डाउनलोड पर क्लिक करने से जो आपकी इमेज है यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। इमेज क्रिएट कर लेने के बाद हम अगेन आ जाएंगे यहाँ पर और इमेज को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके लिए सिंपली इमेज पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर फाइल को चूज कर यहाँ पर इसको अपलोड करना है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपकी इमेज है वो भी ऐड हो गई है। अब यहाँ पर आपको एक नोटाइल का यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है, तो ये आप यहाँ से सिंपली जो भी आप वॉइस को सेलेक्ट करना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं। केविन, कैटी, नटाइल, ये 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे। मैं सिंपली यहाँ पर जो फर्स्ट है उसको ही यहाँ पर सेलेक्ट करूंगी। उसके बाद यहाँ पर रेंडर वाला ऑप्शन दिख रहा है, उस पर यहाँ पर क्लिक कर दूंगी। तो यहाँ पर आपको ये 2 से 3 मिनट्स लेगा, बास्ट टाइम यहाँ पर आपका विदिन 30 सेकेंड्स में भी आपका ये जो सॉन्ग है उसको वो जनरेट हो जाएगा। तो वो डिपेंड करता है कि आपका यहाँ पर कितने वर्ड्स, कितने कैरेक्टर्स का आप सॉन्ग जनरेट कर रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मेरा जो सॉन्ग है जनरेट हो गया है। आप यहाँ पर इसको एज ए वीडियो या ऑडियो भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं सिंपली यहाँ पर इसको एज ए ऑडियो यहाँ से डाउनलोड कर लूँगी। डाउनलोड कर यहाँ पर आप लोगों को एक बार प्ले कर इसको बताऊंगी। फ्रेंड्स अब आप यहाँ पर सॉन्ग सुने ही होंगे कि यहाँ पर आपको सिर्फ लिरिक्स देने से यहाँ पर आपका जो सॉन्ग है जनरेट हो गया है। यहाँ पर आपको ना ही बीट देने की जरूरत पड़ी, ना ही कुछ, आप सिंपली लिरिक्स दिए हैं, आपका यहाँ पर जो सॉन्ग है जनरेट हो गया है। तो यहाँ पर हमारा जो स्टेप 2 है वो कंप्लीट हो चुका है। अब स्टेप 3 में हम इसको कहाँ पर अपलोड करें, कैसे अपलोड करें वो देख लेंगे। तो आपको यहाँ पर इसको एज ए वीडियो अगर यहाँ पर अगर जनरेट करना है, तो आप सिंपली जो प्लेटफॉर्म है वहाँ से भी इसको एज ए वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, या आप सिंपली कैनवा का यूज़ करते हुए भी अपने अकॉर्डिंग जो भी आप इमेजेस देना चाहते हैं यहाँ से इमेजेस देकर जो म्यूज़िक है उसको यहाँ पर अपलोड कर यहाँ से अपनी वीडियो को जनरेट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आ गई हूँ कैनवा पर। कैनवा पर आकर फर्स्ट जो हमारी हम अभी सॉन्ग को जनरेट करे हैं उसको यहाँ पर अपलोड कर लेंगे। तो उसके लिए मैं आ गई हूँ यहाँ पर अपलोड पर और यहाँ से अपना जो सॉन्ग है उसको यहाँ पर अपलोड कर लेंगे। तो यहाँ पर जो सॉन्ग है ये अपलोड हो चुका है। ये अपलोड होने के बाद अब हमें चाहिए यहाँ पर इमेजेस। यहाँ से जो हम वीडियो की लेंथ है उसको थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, एक
20 या 40 सेकेंड्स के लिए यहाँ पर इंक्रीज़ कर लेंगे। तो मैं यहाँ से जो अपना वीडियो का साइज़ है वो इंक्रीज़ कर चुकी हूँ। उसके बाद हम आ जाएंगे एलिमेंट्स पर। अब यहाँ पर एलिमेंट्स पर आकर आपको जो सॉन्ग है उसके अकॉर्डिंग यहाँ सॉन्ग है उसके रिलेटेड यहाँ पर इमेजेस को सेलेक्ट करना है। तो हम फर्स्ट यहाँ पर 2 to 3 जो किड्स के इमेजेस है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट कर कर इसको यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर जो यहाँ पर सॉन्ग्स प्ले हो रहा है उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। लाइक यहाँ पर फर्स्ट एडवेंचरस किड्स था तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आकर आपको सर्च करना है एडवेंचर किड्स। आपको यहाँ पर बहुत सारे इमेजेस मिल जाएंगे, आप ये इमेजेस को सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर ब्रेव किड्स दिखेगा, बी फॉर ब्रेव किड्स। आपको सिंपली यहाँ पर आकर अगेन सर्च बॉक्स में सर्च करना है ब्रेव किड्स। तो आपको यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर इमेजेस को सेलेक्ट करना है और यहाँ पर एक वीडियो क्रिएट करना है। उसके बाद आप यहाँ पर सिंपली शेयर पर क्लिक कर यहाँ से जो अपनी वीडियो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है आपकी वीडियो तो डाउनलोड हो गई है, अब इसको आप अपलोड कर सकते हैं यूट्यूब पर। आप अगर यूट्यूब पर अपलोड करेंगे तो आपको यही लगेगा कि आपको यहाँ से कॉपीराइट इशू आएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप यूजिंग चैट जीपीटी से यहाँ पर जो साउंड है उसको जनरेट करें हैं, इससे आपको कोई कॉपीराइट इशू नहीं आएगा और आपका जो चैनल है वो भी इजीली मोनेटाइज्ड हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, सिंपली ऐसे ही वीडियोस को अपलोड कर लोग यहाँ से लाखों में यूट्यूब से अर्न कर रहे हैं। तो आप भी यहाँ पर ऐसा जो चैट जीपीटी है उसका यूज़ करते हुए जो सॉन्ग्स हैं उनको जनरेट कर सकते हैं और यहाँ पर अपलोड कर आप भी अच्छा खासा मंथली का रेवेन्यू बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही था आज का मेथड जहाँ पर आपको सिंपली चैट जीपीटी का यूज़ करना है और उसी को यूज़ करते हुए यहाँ पर जो सॉन्ग्स है उसको जनरेट कर यूट्यूब पर अपलोड कर अर्न करना है। आप यहाँ पर इसको स्पॉटिफाई पर भी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ चाहिए, तभी जाकर आप उस प्लेटफॉर्म से अर्निंग कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।